हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, इस वक्त सुशांत केस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती से 18 घंटे पूछताछ हुई है। शोविक कल पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे थे। आपको बता दें कि लगातार 18 घंटे के बाद ईडी ने शोविक को जाने दिया है। शोविक चक्रवर्ती से 18 घंटे की पूछताछ हुई है। परसों रिया से भी पूछताछ हुई थी और शोविक भी उस वक्त मौजूद थे और बाद में वो दस्तावेज लेकर भी पहुंचे थे ईडी ऑफिस। और कल ही सुशांत की जो फ्लैटमेट रह चुके हैं सिद्धार्थ पिठानी, उनसे भी पूछताछ हुई थी। और अभी ताजा अपडेट यही है कि 18 घंटे के लगातार पूछताछ के बाद शोविक निकले हैं वहां से। सुशांत केस में ईडी कर रही है पूछताछ। शोविक रिया चक्रवर्ती के भाई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं शोविक ईडी दफ्तर से बाहर की ओर निकल रहे हैं और ये पूछताछ जो है लगातार 18 घंटे चली। 18 घंटे के बाद शोविक को ईडी दफ्तर से जाने दिया गया है। सोमवार को रिया से दोबारा पूछताछ भी होनी है। आपको बता दें कि सुशांत की जो फ्लैटमेट रह चुके हैं सिद्धार्थ पिठानी, उन्हें भी कल ईडी ने बुलाया था। ईडी ने उनसे भी कल पूछताछ की थी और परसों रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक के साथ ईडी दफ्तर पहुंची थी, जिसमें उनसे कई तरह के सवाल किए गए।